नमस्कार दोस्तों, हेलो, राधे राधे। आज मैं एक आपके लिए छोटी सी ड्रेस बना लेके आई हूँ। 5 से 6 साल के बच्चे की मैं ये सुंदर सी एक आज ड्रेस बनाऊंगी। मेरे पास एक दो कपड़े हैं, ये मेरे पास प्लेन पीस था और ये मेरे पास जो है चिकन का पीस है। इससे मैंने ये कटिंग करी है, मैं आपको पहले इसकी, और इसमें मैं ये लेस भी ऐड कर दूंगी। लेस भी कोई इतनी महंगी नहीं है, थोड़ी सस्ती है, पर इससे इसका लुक बहुत सुंदर आएगा बनकर। अब मैं इसकी आपको, ये मेरा पीछे का पल्ला काटा मैंने, इसको मैं तैयार करूंगी 22 इंच। तो 22 इंच के लिए मैंने ये ऊपर की जो चोली ली है ये मैं रखूँगी 15 इंच। 1 इंच मैंने फालतू ले लिया, तो ये ऊपर यहाँ सिलाई में आ जाएगा इतना। और इसकी चेस्ट रखे मैंने 12.5 इंच। कमर को फिर हम थोड़ा सा और हल्का सा कम कर देंगे, वैसे बच्चों की शेप नहीं होती, पर हम हल्की सी मैंने इसको शेप दे दी। ये हमारा हिस्सा हिप का आएगा, तो ये मैंने 14, तो ये कुछ ए लाइन बन के आएगी। अब मैं ये पीछे का पल्ला हटा देती हूँ, ये मैंने फ्रंट काटे हैं, आगे के पल्ले हैं ये दोनों पल्ले आगे के मैंने एक साथ ही काट दिए थे। इसको मैं यहाँ से बीच में से कट कर देती हूँ। ये हमारे ये देखिए दो पल्ले होके हैं। अब इनको हम ऐसे इसको अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे यहाँ पर, और ये ऐसे आ जाएगा, इसका लुक ऐसे आएगा। अब मैं आपको इसको बना कर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने सिलाई कर दी। सबसे पहले मैंने ये पट्टी मोड़ दी है, क्योंकि हमारे पास इसमें कन्नी नहीं थी, तो इसलिए मैंने ये इसको ऐसे फोल्ड करने के लिए अंदर को एक बार मैंने इसको यहाँ से मशीन से सिलाई कर दी है। दोनों पे मैंने ऐसे ही करी है, ये देखिए। और मैंने सबसे पहले इसके ऊपर से दोनों साइड मैंने जोड़ दिए शोल्डर वाले। अब मैं इसकी आपको पाइपिंग लगाती हूँ। अब हम यहाँ पाइपिंग लगाएंगे और गले पे भी लगाएंगे, और पाइपिंग के साथ साथ हम लेस भी लगाएंगे, जो वाइट वाली लेस मैंने दिखाई थी आपको, ये वाली लेस लगाएंगे अब इसमें हम पाइपिंग के साथ। हमारा बहुत सुंदर एक छोटा सा बच्चे का ड्रेस बनेगा, छोटी सी गुड़िया का, 5-6 साल की गुड़िया की ड्रेस बनेगी। अभी मैं इस पर पाइपिंग लगाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने और एक पाइपिंग काट ली है 1.75 इंच की। हमने इसमें मैंने ज्वाइंट लगा दिया है, इसको ऐसे करके ज्वाइंट लगा ले, और इसको जो हमने जोड़ लगाया, तो इसको हम दोनों साइड को ऐसे अपने नखून से इसकी प्रेस कर देंगे, बिल्कुल प्रेस की तरह ऐसे इसको खोल के इसको ऐसे ये ऐसे लगा। अब मैं ये पाइपिंग आपको लगा कर दिखाती हूँ कैसे लगानी है। ये देखिए, मैंने अब ये दोनों साइड इधर भी मैंने पाइपिंग लगा दी है। ये पाइपिंग मैंने उल्टी साइड लगाई है, ये देखो ज्वाइंट आ रहा हमारा, ये मैंने उल्टी साइड से लगाई है रख कर। इसको हम फिर ऐसे सीधी साइड पलटेंगे और इसके साथ साथ हम वो लगाते हुए जाएंगे अपनी लेस। अब मैं गले पर भी लगा लेती हूँ, एक साथ ही आपको दिखाती हूँ फिर। ये देखिए, हमारी पाइपिंग लग गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसमें हमने लेस कैसे लगानी है। लेस क्या करेंगे हम, अब इसमें हल्के हल्के से थोड़े थोड़े से ऐसे करके ही मशीन से ही हम ऐसे हल्के हल्के से इसमें चुन डाल देंगे, ताकि ये हमारी अच्छी फिनिशिंग के साथ ऐसे लग के आएगी ये, ठीक है। मैं अब इसको चुन डालती हूँ, तो उसके बाद दिखाती हूँ आपको।
ये देखिए मैंने इसको छोटी छोटी हल्की हल्की सी इसमें मैंने ये प्लेट डाल दी है। अब मैं इसको आपको लगा कर दिखाती हूँ। अभी हम लगाते हैं, उसके बाद मैं आपको इसको ये मैं लगाऊंगी अमूल पर, और गले पर हम इसको लगाएंगे चून डाल कर। जो नीचे लगाएंगे वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये देखिए पहले हम अमूल पर लगाएंगे इसको। कैसे लगाएंगे ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ऐसे हम यहाँ इसको लेंगे और ऐसे इसको हम पाइपिंग को यहाँ मोड़ देंगे। जब हम इसको ऐसे मोड़ेंगे तो हम इसके अंदर इसको ऐसे करके लगा देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने देखो पाइपिंग के साथ लेस लगा दी है। ये मेरी अमोल पे आएगी और ये मैंने गले पर लगाई। चून मैंने इसीलिए डाले थे ताकि हम जब घुमाएं इसको तो ये खड़ी ना होए। वैसे ये बहुत सॉफ्ट वाली है लेस, ये चुभेगी भी नहीं बच्चे को, और इससे हमारा डिज़ाइन भी एक सुंदर बन के आएगा। इसका लुक कुछ ऐसे आएगा। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हमारा ऐसे बैठेगा इसको हम ऐसे। अब मैं इसको साइड से जोड़ लेती हूँ, यहाँ से सिलाई करती हूँ इसके, दोनों साइड जोड़ लेती हूँ, फिर मैं इसमें यहाँ आपको फिर लगा कर दिखाऊँगी। ये देखिए मैंने दोनों साइड सिलाई लगा दी है। ये देखिए यहाँ से ऐसे हमने इसको सिलाई दोनों साइड छिल लिया है। अब हम इसको ऐसे देखेंगे। ये देखिए कितनी सुंदर हमारी ऊपर की ये ए लाइन चोली बनी है, बहुत ही सुंदर, कितनी प्यारी लग रही है अभी। कितनी सुंदर बनी है चोली। अब हम इसमें नीचे का मैं यहाँ पर इसकी डबल फ्रिल लगाऊंगी और उसमें भी हम ये लेस लगाएंगे, तभी इसे हमारा बहुत सुंदर सा प्यारा सा डिज़ाइन बन के आएगा। अभी मैं फ्रिल बनाती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आपको। ये मैंने प्लेन कपड़े की दो फ्रिल काटी हुई हैं, दो साइड कपड़े काट लिए। अब मैं इनको आपको दोनों की फ्रिल बनाते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने अब लेस लगा ली है। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है इस पर। ये देखिए ये मैंने लेस ऊपर की साइड रखकर ये मैंने डबल फोल्ड ऐसे कर दिया है यहाँ पर, जैसे हमने पाइपिंग लगाई थी तो ऐसे ही हमने ये यही कपड़ा इसको ऊपर फोल्ड कर दिया इसके हमने लेस के, क्योंकि तो हमारा सीधा है तो आसानी से हमारा मुड़ गया, पर उसको तो हमें और ये भी लगानी थी। तो ये एक पलक मैंने नीचे लगा लिया। अब मैं दूसरे पर लगा कर दिखाती हूँ। अब हम छोटे वाले पर लगाएंगे क्योंकि हमने इसमें डबल फ्रिल लगानी, तो ऐसे लगाना हमने। अब मैं इसमें लेस लगा कर दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपनी जैसे हम एक साथ नहीं लगा सकते इसको डबल मोड़ कर, या वो नहीं लगा सकते इस पर लेस, तो हमने क्या करा, एक बिल्कुल ऐसे ही फोल्ड खाली फोल्ड करा इसको, खाली एक मशीन फेंट ली। अब हम इसको ऐसे रखेंगे। ये देखिए अब मैं इसको ऐसे लगाऊंगी ताकि लगाने में बड़ी ही सुविधा, ऐसे रखो। ये देखिए कितनी आसानी से लग जाएगी। अब इसको मैं ऐसे इसके ऊपर ये फोल्ड कर दूँगी। ये देखो सबसे आसान तरीका ये लेस लगाने का हमारा। ये देखिए हमने ये भी इस पर भी लगा ली है अपने छोटे वाली जो हमारा पल्ला है, ये इस पर भी हमने दोनों हमारे पल्लों पर लग गई है। ये देखिए ये हमारे दोनों पल्ले हो गए, एक बड़ा और एक छोटा। अब हम इसमें चून डालते हैं, तब मैं आपको चून डालने के बाद दोनों में चून डालूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। मैं तो ऐसे हाथ से ही चून डाल देती हूँ, ऐसे
ऐसे ऐसे करके मिला दीजिए। कितने आसानी से बन गए चुन्नी, ये देखिए कितने प्यारे बनते जा रहे हैं। बहुत ही आसान तरीका है ये चुन डालने का। ये देखिए ये मैंने फ्रिल बना ली है इसकी। हमने इसकी आपको चोली पर लगा कर दिखाती हूँ फ्रिल। ये देखिए कितनी सुंदर फ्रिल बन के आई है हमारी। अब हम ये देखिए मैंने इस पर फ्रिल लगा दी है जी, ऐसी लगी है। इस पर मैं अब इंटरलॉक कर दूँगी ताकि ये धागे ना निकले। मैं आपको ये दिखाती हूँ एक बार कितनी सुंदर हमारी ड्रेस बन के आई है। ये देखिए मैं आपको ऐसे ही, वैसे तो ये प्रेस करके ही इस पर फिनिशिंग आएगी, पर मैं एक बार रख कर आपको दिखा देती हूँ ये कैसी लगेगी ड्रेस। ये ऐसी आएगी हमारी। ड्रेस बनी है ये 5 से 6 साल के बच्चे को आएगी। हमारी एक गुड़िया छोटी सी, उसको हम मैंने उसके लिए ड्रेस बना दी। ऊपर ये चिकन का कपड़ा, ये भी कॉटन है हमारा। जो मैंने ये प्लेन लगाया है ये भी हमारा कॉटन है। जो हमारी ये लेस है ये बिल्कुल भी बच्चे को बिल्कुल चुभने वाली नहीं, बहुत सॉफ्ट वाली लेस है। इसलिए मैंने थोड़ा सा इस पर लेस वाइट इसी करके लगाई है ताकि थोड़ा सा ये उठ के आए। प्लेन कलर पर ये लेस बहुत ही सुंदर लगती है। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, कमेंट करना और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली आपको हर वीडियो सबसे पहले आपको उसकी मिल जाए। धन्यवाद।